न्याय द जस्टिस। न्याय द जस्टिस क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? न्याय द जस्टिस से देखा जाए तो ये फिल्म सुशांत के जीवन से प्रेरित है, ऐसा नहीं कि सुशांत की लाइफ में वर्ल्ड वर्ल्ड कॉपी, ये उससे प्रेरित है और हमारी कंपनी इसमें VHR के प्रोडक्शन और इसमें कोशिश की गई है कि हम बॉलीवुड के काले सच को दिखाएं, इसके अंदर जो फैले हुए भ्रष्टाचार को दिखाएं। और बॉलीवुड बहुत अच्छी थी पहले, अभी कुछ चीज़ें गलत हैं जिसको हम दिखाना चाहते हैं ताकि और भी आने वाली हमारी जनरेशन जो एक्टर्स की है वो इस तरह ड्रग्स के चक्कर में ना पड़े और वो कलाकार को सिर्फ कला से प्यार हो जाए। और हम लोग जो कलाकार हैं हम लोगों से लोग भी इंस्पायर होते हैं, लोग कॉपी करते हैं हमारा, अगर हम लोग ही गलत करेंगे तो इंडस्ट्री का नाम तो बदनाम हो गए। तो न्याय का जस्टिस में हम लोग चाहते हैं कि हर वो चीज़ का तथ्य सामने आए जो गलत है। अच्छा, अभी CBI जांच कर रही है, क्या लगता है सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, और CBI जांच कर रही है और सारे नार्कोटिक्स वाले जांच कर रहे हैं और सब उसके तथ्य सामने आ रहे हैं, न्याय ज़रूर मिलेगा। आपके फिल्म के पोस्टर पर सुशांत सिंह राजपूत का डेट जरूर दिखाया गया? नहीं, वो राजपूत सुशांत सिंह का डेट फोटो नहीं है, वो हमारे एक्टर की फिल्म के सीन का फोटो है, सुशांत जी का बिल्कुल फोटो नहीं है उसमें। अभी रवि किशन जी ने आवाज़ उठाई है तो पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री जया बच्चन के साथ हो गया, रवि किशन जी के साथ कोई नहीं है? मेरा ये कहना है रवि किशन ने जो आवाज़ उठाई वो मैंने सुना देखा नहीं है, मगर ये बोलूँ मैं पूरी बॉलीवुड को बदनाम नहीं हम कर सकते, बॉलीवुड में अच्छे लोग भी हैं, जो खराब है उनको उससे जो कहा गया ना जो गलत कचरा साफ किया जाएगा साफ करेंगे, हम लोग साथ में हैं। जया बच्चन जी का आरोप लगा है रवि किशन जी पे, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में आप छेद करते हैं। अब वो मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहूँगा, मगर ये कहने कि पूरी इंडस्ट्री को हम बदनाम नहीं कर सकते, इंडस्ट्री में अगर पांचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती, हर जगह करप्शन, अगर इंडस्ट्री में दो आदमी गलत है तो वो दो आदमी गलत होने से 100 आदमी जो इंडस्ट्री है वो सारी बदनाम नहीं हम कर सकते, वो गलत को हटा देंगे। दूसरी तरफ रवि जी का कहना है कि मैंने अपनी थाली खुद बनाई है, हमको खुद बना के थाली नहीं दिया है। रवि जी का कहना बिल्कुल सही, हर एक्टर अपनी थाली खुद बनाता है, अमिताभ बच्चन भी स्ट्रगल करके स्टार बने, आपको पता होगा जितने भी सलमान खान भी स्ट्रगल करके स्टार बना है, और अगर रवि जी भी बने तो स्ट्रगल करके बने, हर को अपनी थाली खुद सजानी पड़ती है और ये इंडस्ट्री किसी के बाप की नहीं है, आप मेहनत करोगे आप स्टार बनोगे। सर एक आखिरी सवाल, कंगना रनौत के ऊपर महाराष्ट्र सरकार बहुत सारे जुल्म कर रही है, अभी ऑफिस तोड़ा गया है, अभी घर का नंबर आ गया है, और भी सोशल मीडिया में तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, इस बारे में आपने क्या कहा? देखिए वो पॉलिटिकल मैटर है, ये मैटर कोई पर्सनल नहीं है, इसमें दो पार्टी की लड़ाई है, पॉलिटिकल मैटर है, इसमें मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता। अगर कंगना रनौत एक आर्टिस्ट के बारे में बोलेगा मैं 10 बातें बताऊंगा, अच्छी आर्टिस्ट है सब कुछ, मगर ये जो तोड़ा गया उनके घर को किसने तोड़ा क्यों तोड़ा उनको वाइस सिक्योरिटी किसने दी, ये पॉलिटिकल मैटर है, इसमें मैं नहीं बोलूँगा। आप एक आर्टिस्ट के तौर पर क्या देशवासियों को संदेश देना चाहेंगे कि ड्रग्स माफिया से कैसे बचे, क्या करना चाहिए? मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं पूरी दुनिया में ड्रग का ये बड़ा रैकेट चल रहा है, उस रैकेट को तोड़ना पड़ेगा ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जो है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो इस ड्रग जैसी गंदी बीमारी के चपेट में ना आए, और हम सबको लड़ना पड़ेगा इसके लिए। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू।